ओके, तो फाइनली सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी हम हैं द्वारका होटल के आसपास ही। तो अभी हो गया निकलने का वक्त और बहुत सारी गायें निकल के आ गई हैं। ये हमारा होटल था, पार्किंग अच्छी थी, ठीक है। अभी देखते हैं आगे के क्या सीन है। मैप तो सेट कर लिया, दिखा रहा है 2:45 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 401 किलोमीटर यहाँ से। एनीवेज़, गुड मॉर्निंग सभी को, सभी को सुप्रभात। और स्टार्ट करते हैं आज की राइड को और चलते हैं आगे की तरफ। चलिए ले चलते हैं आपको एक नए रोमांचक सफ़र पे। सोच रहे हैं पहले चाय बिस्कुट मार लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखो गूगल जादू हो गया बोलना कि यहाँ मोड़ लो वहाँ मोड़ लो। अरे भाई मोड़ लेंगे, सब कर लेंगे, टेंशन क्या लेने का। इसमें पहुँच जाएंगे आराम से, निकल जाएंगे आराम से। अरे गौ माता आप आ गई सामने। और यहाँ पर पियेंगे चाय, तो मिलते हैं आपसे रोड पर चाय पीने के बाद। Oh my god, you made a song just for TikTok. What are you, a simp? Babe, you always on my guest list. No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. No. Don't make me beg, I'm feeling desperate. So please don't say no, oh. और अभी एंटर कर रहे हैं जामनगर की तरफ। और यहाँ से जामनगर कुछ 25-30 किलोमीटर्स है लगता है। जैसे जामनगर नहीं, इसका नाम होना चाहिए रिलायंस नगर। जस्ट किडिंग, यहाँ पर जियो और रिलायंस काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर कहना चाहिए रिलायंस की रिफाइनरी भी है, तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट लिखा हुआ है और सबवे बना हुआ है। वाह, क्या यहाँ पर रुक के ब्रेक ले सकते हैं? ले तो सकते हैं क्या? आगे रुकेंगे लेकिन यार जामनगर में रुकेंगे। ये देखो रिलायंस डिजिटल, मतलब हर चीज़ रिलायंस की है क्या यहाँ पर? भैया इसका नाम रिलायंस नगर क्यों रख देता? ये देखो रिलायंस का पेट्रोल पंप है, रिलायंस की बसेस बसेस। अरे बाप रे, ये तो गजब ही है यार, गजब चीज़ है, गजब। रिलायंस के स्कूल, रिलायंस के हॉस्पिटल, सब ऐसे करते हो ना। रिलायंस का मैकेनिक शॉप, रॉयल एनफील्ड नहीं होगा, रिलायंस एनफील्ड होगा उसका नाम भी। ओके, तो अच्छा लग रहा है। अभी नाश्ता करने के लिए रुकना है कहीं, तो एक ब्रेक लेंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हम लोग कितना चल के आ चुके हैं, 100 के ऊपर हो चुका है। और एक ब्रेक बनेगा यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जर्नी। तो चलो कहीं रुकते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। हाईवे किनारे दिल ये पुकारे कि बस पराठा आ जाए, पराठे खा लें। ओहो हो, अभी हम लोग रुके हुए हैं जामनगर के कुछ खा के, और नाश्ता करने रुके हुए, पराठे का ऑर्डर दे दिया है। और यहाँ से अभी हमें जाना ध्रोल, फिर आएंगे मोरबी। मोरबी यहाँ से 90 किलोमीटर के आसपास है। मोरबी से फिर हमें मुड़ना है खातिरपेट की तरफ। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4 घंटे लगना चाहिए यहाँ से, मतलब हमारे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर आज के लिए। तो पराठा वराठा खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे रोड पर। And when you playing hard to get, ayy. When we making plans, you act like you forget, ayy. When you make fun of my car, I get upset. When you done with all the others, yeah, you know that I got next, I got next. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee, yeah. और फाइनली हम लोग एंटर कर गए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो रियंस बचे हुए हैं, जो अवशेष बचे हुए हैं उस जगह पर जहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता रही है कभी कुछ हज़ार वर्ष पहले। और सोशल साइंस के पीरियड में जब मैं सो जाया करता था तो उस नींद को जगाने के लिए आज तक मुझे यहाँ तक आना पड़ा है ये सब देखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह होने वाली मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ मुझे बहुत मज़ा आता है पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ने में, देखने में और उनको फील करने में कि वो सिविलाइजेशन भी क्या सिविलाइजेशन रही होगी यार। तो अभी जगह पर एंटर कर गए हैं, वो है चित्रोड़। और NH 27 छोड़ दिया है हमने और यहाँ से चित्रोड़ लिखा हुआ है ये गुजराती भाषा में, मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन गुजराती, जस्ट जोकिंग। गूगल की मदद से पढ़ा है मैंने कि यहाँ पर चित्रोड़ है और इसके बाद हमको आगे ही आगे बस चलते जाना है चित्रोड़। यहाँ से इसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन है, गुजरात टूरिज्म का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ही धुंधला, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गुजरात टूरिज्म को। और you make me kinda nervous, you do that on purpose.
best yet. Have you always on my guest list? No. Got Hulu Plus, don't need no Netflix. Welcome to Run of Kutch. ये है आपका Run of Kutch. Wow, 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 wow. चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं. मंजिल नज़र नहीं आ रही थी और मंजिल तो अभी भी नहीं मिली है बस. लेकिन रण ऑफ कच्छ का नज़ारा देखिए यार, क्या है ये. ये देखो पूरा पूरा वाइट डेजर्ट है यार, पूरा वाइट डेजर्ट. ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी. मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया. कब से परेशान थे गर्मी से, रोड ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन इस नज़ारे ने ना सब कुछ दूर कर दिया, थकान दूर कर दी. वो पक्षियों के झुंड देखो यार, क्या प्यारे झुंड है पक्षियों के, क्या प्यारे झुंड है. वाओ वाओ, यहाँ पर तो अरे सब मुंडी अंदर डाले हुए हैं, कुछ खा रहे हैं या छुपे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा. जो भी है बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है. रियली अमेजिंगली अमेजिंगली. हकूना मटाटा, हस्ता ला विस्ता. क्या खा रहे हो भाई लोग, कुछ मिलेगा खाने को. हम लोग भी भूखे हैं यार, कुछ तो खिला दो भाई. बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है. वाह यार, दूर दूर तक पानी है. ये पूरा रन ऑफ कच्छ का पानी है जो सूख जाता है तो वाइट डेजर्ट बन जाता है. आगे मिलेगा, सूखा हुआ ही मिलेगा. कुछ कुछ जगह सूखा हुआ है यहाँ पर. शानदार है, शानदार भी शानदार. ये देखो सीधी रोड जा रही है, जैसे घोस्ट राइडर की तरह चले जा रहे हैं. ओह सही में पागल हुए हैं, चला चला के पागल कर दिया अपने आप को. लेकिन थकान महसूस नहीं हो रही है, इस नज़ारे ने थकान दूर कर दिया. सब कुछ बस हो गया. चलो मिलता हूँ आपसे आगे. ये प्रॉपर्टी है, ये एंट्रेंस है. वहाँ पर एसी वाले रूम्स हैं और यहाँ पर नॉन एसी रूम्स हैं. नॉन एसी का किराया है 1500 रुपीज़ और एसी का आई थिंक 3000 रुपीज़ है. बट रात में ठंड हो जाएगी तो हमें लगा कि ज़रूरत नहीं है एसी रूम्स की, तो हमने नॉन एसी ले लिया है. एनीवेज जो भी है, जैसा भी है, आगे मिलते हैं. ये पूरा व्यू देख लो आप, अच्छा है. ड्रोन शॉट दिखाऊंगा मैं इसका लेकिन आपको. सो अराउंड 3 o'clock हम लोग पहुँच गए थे. ये है धोलावीरा होम स्टे मेरे पीछे, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं. धोलावीरा अभी नहीं गए, धोलावीरा यहाँ से 25 किलोमीटर्स और है आगे की तरफ. तो अभी धोलावीरा जाएंगे, म्यूज़ियम विज़िट करेंगे, धोलावीरा स्टे करेंगे, विज़िट करेंगे और उसके बाद वापस यहाँ पे आ जाएंगे. रात में फुल मून अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है. रन ऑफ कच्छ अभी सूखा नहीं है लेकिन फिर भी व्यूज़ आपने देख लिए हैं. हो सकता है आपको ड्रोन शॉट भी देखने को मिल जाए, इफ़ यू आर लकी, नॉट मी, आई एम तो ऑलवेज लकी. और रूम टूर मैं आपको करवा दूंगा लौट कर. फिलहाल तो हमें जाने की बहुत जल्दी है क्योंकि कहीं सनसेट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम मिस नहीं करना चाहते सनसेट को. तो चलिए मिलते हैं आपसे रोड पर. चलो चलते हैं सफ़र पे. ये हमारा स्टे है और ये धोलावीरा का रास्ता है. 25 किलोमीटर ही है यहाँ से, तो आई थिंक आधे घंटे में पहुँच जाएंगे. और बहुत धूल है हेलमेट के ऊपर यार. रास्ता तो बीच में ना ख़राब रास्ता था, हम लोग एक दिन डाइवर्ट हो गए थे, इनकी कैंप साइट चले गए थे. बाकी तो सब अच्छा है यार, कोई दिक्कत नहीं है. खाना भी खा लिया भाई ने, बहुत अच्छी सर्विस दी है यार. मतलब इस जगह के हिसाब से ना सर्विस सही है, मैं ये बोलूँगा. अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन तो फिर अब 5 स्टार से कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है. चलो मिलता हूँ मैं आपसे आगे रोड पर. और आ गए हैं आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम धोलावीरा में. अब जा रहे हैं अंदर की तरफ, शायद क्या होगा, चेकिंग होगी. टिकट ले जा. म्यूज़ियम तो हो गया, अब म्यूज़ियम के बाहर जा रहे हैं. जो मेन साइट है वहाँ पर जा रहे हैं विज़िट करने के लिए. मेन साइट थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा और सिटाडेल वगैरह सब कुछ वहीं पर ही है. जो पढ़ा था वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ पर है, बल्कि कम पढ़ाया गया है बुक्स में. यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिटेल बताया गया है यार. मतलब अल्टीमेट फीलिंग थी उन चीज़ों को देखना जो आपने बचपन में पढ़ी होती हैं, सोशल साइंस के हिस्ट्री वाले सेक्शन में चैप्टर. क्लास सिक्स होती है आई थिंक, क्लास सिक्स और सेवन्थ में सब पढ़ते हैं हड़प्पा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. तो काफ़ी अच्छा लगा. अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं था, मैंने भी फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं लिए.
ज़रूरत भी नहीं है यार, देखो फील करो महसूस करो उन चीज़ों को अगर अच्छा लगता है तो। और अगर आप इंटरेस्टिंग हो, मतलब अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा, वरना आपके लिए बोरियत साबित हो सकता है। और ये है वो साइट धोलावीरा की, और ये है धोलावीरा की साइट जो कि 3000 BCE यानी कि 3000 ईसा पूर्व की है। ये पूरी साइट है, देखो सामने से कुछ दीवार दिखाई दे रही होगी आपको, वो दीवारें हैं, ये एंट्रेंस है, गेट से हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, आगे भी दिखाएंगे, कुछ फोटो वोटो खींचेंगे तो बताएंगे आपको। ये ईस्ट रिजर्वायर है, एक तरीके से डैम तालाब बोल सकते हैं, यहाँ पे पानी भरा रहता होगा। और इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, तो अभी अभी ये शामिल हुई है, काफ़ी अच्छा है। आई थिंक गुजरात टूरिज्म अगर और इसको प्रमोट करेगा तो ये एक अच्छा टूरिज्म स्पॉट बन जा सकता है। थोड़ा सा रोड पे काम करना पड़ेगा और थोड़ी सी और चीज़ों को, लाइट एंड साउंड शो ऐसा कुछ हो तो वो चीज़ें अगर करेंगे तो शायद ये और अच्छा टूरिज्म का स्पॉट बन सकता है। और ये देखिए मेरे पीछे जो है ये रास्ता है शहर में जाने का, ये उस शहर की दीवारें हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये पूरा शहर की दीवार है, जो भी शहर यहाँ पे था उसके बारे में है सब कुछ। और यहाँ पर ग्रेनेज यानी कि धान वगैरह स्टोर करते होंगे, ये वो जगह है स्टोरेज की। सो छोटा सा स्टोरेज बना हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 4। ये आ गए हम किले की ओर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बीड वर्कशॉप एंड सिटाडल, तो ये जगह है जहाँ पर राजा रहते होंगे, दुर्ग क्षेत्र है ये। वो जो सामने पहाड़ दिख रहा है आपको, दैट पहाड़ इज़ नोन एज मोहनजोदड़ो, हड़प्पा वाला मोहनजोदड़ो, जो कि माउंट ऑफ द डेड। इश्तियाक ये बताओ कि पानी निकल गया, ठीक है भाई समझ में आ गया, मोतियों बना दी, मोती माला बना ली इन्हें सब कर लिया, हड़प्पा में सब कुछ होता था। भाई पढ़ाई कहाँ करते थे, कॉलेज कहाँ है, स्कूल कहाँ है, हमें ये सब क्या कोरोना के चक्कर में जनरल पास हुए क्या, सब ये कोरोना के चक्कर में जनरल पास, मतलब पैदा होते थे मोतियों की माला बनाते थे, मेरा तो ये और उसके बाद मर जाते थे, मरने के लिए वो पीछे पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ कहाँ गया, ये कौन सा पहाड़ है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, हाँ। वो अंकल एक पीछे हैं SST के टॉपर, वो गाइड साहब, वो हैं हिस्ट्री के टॉपर, जहाँ पे गाइड बने घूम रहे हैं, ऐसा ज्ञान दे रहे ना, मतलब हमें तो लगता है सोशल स्टडीज का हमने एक ही चैप्टर पढ़ा है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, उसी में टॉप मारे भाई, उसी में टॉप मारे, कुछ पढ़ा नहीं, उन्होंने बोला हो गया मेरा कैरियर बन, हम लोग तो इसलिए आए थे कि मैं तो SST के चैप्टर में सो गया था भाई, इसे तरह हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना हमारे सर, तो हम सो गए थे, तो हमने कहा बचपन की गलतियों को ठीक करने का वक्त आ गया, तो चलो देख के आते हैं। अब हो गया भाई, देख लिया, जितना एक्साइटमेंट था वो पूरा हो गया, अब जो है यहाँ से आ गया है जाने का वक्त, क्योंकि हो रही है यहाँ पे फड़रस, फड़रस के आगे भी कुछ कुछ होता है लेकिन अपन बोलेंगे नहीं अभी। चलो तो अब अपन यहाँ से करते हैं टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे आगे कुछ अच्छा करने के लिए। Coming over, hope it's not like normal and I get that cold shoulder. I got beers but guess you really don't be drinking no tequila or something. Well we got a lot to be. और आ गए हैं हम लोग सनसेट पॉइंट जो कि है रन ऑफ कच्छ का, देखिए क्या नज़ारा है, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो मेरे पीछे सनसेट पॉइंट इस जगह का नाम है, ये है पूरा नज़ारा, पूरा वाइट रन ऑफ कच्छ, ये पूरा जो पानी दिख रहा है ये पानी धीरे धीरे सूखता जाएगा और ये पूरा वाइट रन में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, और मज़ा आएगा। और यहाँ पर गाड़ी ले आ सकते थे लेकिन गाड़ी नीचे उतारने का कोई तरीका दिखाई नहीं दे, तो यहीं पर ही अपन अब थोड़े फोटो वोटो शूट करेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, सनसेट होने का इंतजार करेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं। आपको ड्रोन शॉट, बहुत ही रिस्की ड्रोन शॉट लिया है, इसकी रिस्क सिर्फ मैं जानता हूँ, रिश्तियाक जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। और भाई ये है वाइट रन ऑफ कच्छ, सनसेट होने वाला है, उधर 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 पे पूरा पानी है, यहाँ तक हम आ गए हैं, इसके आगे नहीं आएंगे, बहुत गीला था पैर, अंदर जाने लगे थे, मैंने कहा वापस चल लो, बस हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, मज़ा आ गया यार, दिस इज़ वाइट रन ऑफ कच्छ। ओ गाना याद आ गया मुझे, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, वो रहा चांद, कहाँ है चांद, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी। ये अलग बकलोई, ये है हैप्पीनेस, दिस इज कॉल्ड
हैप्पीनेस जब राइड करते हो ये हैप्पीनेस है। मोहन जोदड़ो की तकलीफें हमने सारी सब भूल चुके हैं, हड़प्पा की पूरी संस्कृति यहाँ निकल के आ गई है। गाइड से भी बात हुई है वहाँ की। अरे मजा आ गया, मजा आ गया यार, लिटरली मजा आ गया। रण ऑफ कच्छ में ना लिटरली मजा आ गया। वी आर ऑन द ईस्ट साइड, रण सऊदा है वेस्ट साइड में। मजा आता है, मजा बहुत मजा आ गया। फुल एंजॉय यार, फुल एंजॉय। ये हमारा रूम है, छोटा सा रूम है लेकिन काफी सफिशिएंट है दो लोगों के लिए। और यहाँ पर है वॉशरूम, ये भी सफिशिएंट है। 1500 रुपीज चार्ज है इसका। अभी हम लोग आ गए रूम के अंदर, टाइम हो रहा है रात के 8:30 बज रहे हैं, खाना खा लिया है, अब हो गया है वक्त सोने का। और मुझे ये लगता है कि हड़प्पा जैसी जो जगह है या धौलावीरा जगह थी वो बहुत ही शानदार है। जोक्स अपार्ट, हमने जो भी किया वो एक मजाक मस्ती वाला माहौल अलग था, लेकिन अगर आप इस ऐतिहासिक जगह पर आते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो पुराने अवशेष हैं उनको जरूर देखिए। सनसेट पॉइंट जाइए, एंजॉय करिए, जितनी हो सकती मस्ती करिए और पूरे रोड का सफर का मजा लीजिए। बहुत ही अच्छी जगह है रन ऑफ कच्छ धौलावीरा। मैं बोलता हूँ आई विल श्योरली रिकमेंड कि एक बार तो आना बनता है लाइफ के अंदर। अगर आप गुजरात के अंदर हैं तो रन ऑफ कच्छ और धौलावीरा जरूर आइए, देखिए कि अगर आपको जरा सा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री के अंदर, ऐतिहासिक महत्व के अंदर, तो जाइए आप देखिए कि कितने पुराने 3000 साल पुरानी चीज़ों को आज भी आप देखेंगे लग रहा है जैसे कली बनाई गई है। चाहे वो टेराकोटा से बने हुए पत्थर हो या बीड से बने हुए मोतियों की माला हो या कुछ और चीज़ें जो हमने देखी वहाँ पर। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं करता, मैं देखा महसूस किया, लगा कि आज जाके ना मतलब बचपन की वो चीज़ें समझ में आई कि क्या यार क्या अल्टीमेट चीज़ें थी, अल्टीमेट एक्सपीरियंस था ये। कभी मौका मिलेगा तो एक बार फिर से आएंगे या फिर लोथल जो जगह है वहाँ पर भी जाएंगे। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और रिकमेंडेड है यार, बिल्कुल रिकमेंडेड है। आओ देखो, सिटाडेल देखो, पूरा शहर देखो, क्या शहर बसाया था उस टाइम पर जो आज भी बचा हुआ है यार। मतलब कोई सीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी है। खैर ज़्यादा बातें ना करते हुए, और ड्रोन शॉट्स और वीडियो तो आपने देख लिए, मस्ती आपने देखी ली है, पागलपंती पूरी हुई है इस ट्रिप में, अभी तक मस्ती के साथ चलते आ रहे हैं। कल भी एक नया सफ़र शुरू करेंगे अहमदाबाद की तरफ, तो होपफुली ये कल एंजॉय करिएगा, अगले वीडियोज़ में आप एंजॉय करेंगे। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अभी करता हूँ गुड नाइट, शब खैर, शुभरात्रि। और हाँ, ये जो होटल है, होटल नहीं है, होम स्टे, इसका नाम है धौलावीरा होम स्टे। और ये धौलावीरा जो जगह है एक्चुअल जगह से 25 से 30 किलोमीटर के बीच रेंज में पड़ जाता है, और स्टार्टिंग में आपको लेफ्ट हैंड में पड़ेगा। अगर आप रापर से आ रहे हैं, रापर से अगर आ रहे हैं तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा। और इसके जो ओनर हैं वो हैं भरत मावर साहब, और बहुत ही अच्छा बंदा है यार, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा है, लिटरली अच्छा बंदा है। आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा, बताएगा, आपसे मिल जाएगा। अच्छा लगा उनसे मिलकर, थम्स अप एंड चीयर्स टू हिम। और दुआ करता हूँ कि उनका ये जो बिजनेस है, ये जो कारोबार है, वो बहुत फैलाए, बहुत अच्छे सर्व करते हैं, अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, मजा आ गया खाना खा के भी। और नॉमिनल चार्ज, मतलब वो चार्ज ही नहीं कर रहे थे, हमने इतनी रिक्वेस्ट की जब तक उन्होंने कुछ पैसे लिए, वरना वो मना कर रहे आप तो ऐसे है वैसे है, तो ठीक है अगर हो सकता तो मैं मिलवा सकता, लेकिन वो चले गए। खैर जो भी है जैसा भी है, मिलते हैं आपसे अब कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि।